सो हे गाइस, व्हाट्सएप कैसे हो? वेलकम बैक हो चुका है एक और नई गेमिंग वीडियो में। तो गाइस, आज के साली वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और ये है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 3। और आज के साली वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना फार्म। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा भाई प्योर वेजिटेरियन है यार, ठीक है? तो हाँ, मैं यहाँ पे अभी डर्ट इकट्ठा कर रहा था, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, अभी भी वही कर रहा हूँ। और हाँ, सीड भी मिलते जा रहे हैं, अच्छी बात है, वो लगाने के काम आ जाएंगी, सीड लगा वो लगाऊंगा ना। और हाँ, मैंने दो बार तो खा लिया है नॉन वेज, पर हाँ गेम है, चलता है, कोई नहीं, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार भी हम वाटर के ऊपर ही बनाएंगे अपना ये वाला बिल्ड, क्योंकि फिर मुझे वो अलग से वाटर सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो वाटर बकेट से लगती है। बस शुगर केन फार्म बनाना होगा, शायद उसमें लगना पड़े, क्योंकि उसमें सैंड के ऊपर ही लगता है ना, तो उसमें तो लगाना पड़ेगा अलग से वाटर सिस्टम, पर जो नॉर्मल होता है उसमें नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वाटर के ऊपर ही बनाना है, ठीक है। तो अभी जल्दी से डाट इकट्ठा करते हैं और वाटर के ऊपर अपना बिल बनाना शुरू करते हैं, बिल मतलब फार्म बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, पिछले एपिसोड में मैंने अपना घर बनाया था, तो उसका टूर भी मैं तुम्हें दे दूँगा। तो जल्दी से चलते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, और मतलब सामान तो इकट्ठा हो ही चुका है, बेस तैयार करते हैं, ठीक है। और अभी अंदर चलते हैं, मतलब सामान थोड़ा ऊपर चेस्ट रूम में भी रखा है ना, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सामान निकालेंगे और जल्दी से अपना बिल बनाना चलते हैं। और भाई, मुझे तेरे से ट्रेन नहीं करनी है, तुझे थोड़ा बहुत मैं मार वार दूंगा, तेरे कुत्ते मेरे ऊपर थूकने लग जाएंगे ये। तो गाइस यार, सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी और मैं अभी बनाना स्टार्ट ही करा है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चार पाथ बनाऊँगा, जिसमें से एक हो जाएगा हमारा ऑफकोर्स ब्रेड का, मतलब उसका क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गया उसका नाम, जिससे ब्रेड बनती है। वाह, कितना भाई, कितना ज़्यादा ही कुछ, छोड़ यार, मैं अपने आप को क्यों गालियाँ दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इतना बहुत है ब्रेड के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स मैं इसे बाद में अपग्रेड करूँगा। और अभी रात हो रही है, चुपचाप से घर में चल के सोते हैं। एक सेकंड, मेरा गेट खुला हुआ था, आई होप कोई अंदर ना गया हो। चलो, कोई नहीं गया, अच्छी बात है। जल्दी से सोते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं, और सुबह वापस से चलते हैं अपना फार्म बनाने के लिए। ओके, तो सुबह हो चुकी है, अब जल्दी से चलते हैं अपने फार्म बनाने के लिए दोबारा से। एंड या आई थिंक इतना बहुत है यार उसके लिए, वीट, क्या वीट ही बोलता है, आई थिंक भूल गया मैं उसे यार, उसका नाम, शिट यार, इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता हूँ मैं, उसका नाम भूल गया। अरे जिससे ये ब्रेड बनती है यार, जिससे वीट बनता है, शिट यार, इतना भुलक्कड़ हूँ मैं। तो यहाँ पे दो दो ब्लॉक आगे लेके जाते हैं, लाइक दिस। एक तो मैं पी पे खेल रहा हूँ ना, और दिक्कत होती है इससे, अच्छे से हाथ नहीं चलते जल्दी जल्दी। यहाँ से मैंने कितने ब्लॉक लिए थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3, मतलब 4 5 4 का लिया था, ठीक है। ओके, तो मैं मिलता हूँ जल्दी से तुम्हें, एटलीस्ट बेस कंप्लीट करके फिर सीड भी इकट्ठा करने जाने हैं यार, शिट। सो या फाइनली हमारा बेस तो बनकर कंप्लीट हो, रुको जरा ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली हमारा बेस तो बनकर कंप्लीट हो चुका है, और मैंने यहाँ पे सैंड का भी बना दिया, ताकि शुगर केन का भी बना सकूँ। शुगर केन फूड के काम तो नहीं आता, पर हाँ इंचांटिंग के काम ज़रूर आ जाएगा आगे चल के वो। और मेरा सारा का सारा डर्ट ख़त्म हो चुका है, एक दो ब्लॉक बचे थे वो यहाँ पर चले गए ये लगाने में, ताकि पानी आगे ना जाए, ठीक है। तो अभी मुझे बस सीड कलेक्ट करने हैं, और थोड़े और सीड तो शायद मेरे पे, 13 सीड्स तो पड़े भी हैं मेरे पे, ठीक है। और जल्दी से सबसे पहले तो इन्हें लगा देते हैं, और ऊपर चेस्ट में भी पड़े हैं, क्या मैंने गलत कर दिया क्या कुछ? ओह, मैं तो भूल ही गया था, हो भी चाहिए होती है, सॉरी। हो, क्राफ्टिंग टेबल, वेट, मेरे पे क्राफ्टिंग टेबल नहीं है, इन्वेंटरी में पड़ी होगी, इन्वेंटरी में भी नहीं है,
वेट, ऊपर चेस्ट वेस्ट में पड़ी होगी यार। अरे लास्ट यार कहाँ रखी थी मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल? इधर है, इधर भी नहीं है यार, लगता है बनानी पड़ेगी। एक क्राफ्टिंग टेबल का भी रूम बनाना पड़ेगा यार। ओके इतना तो मैं समझ गया। और अभी जल्दी से हो बनाते हैं, इधर ही लग जा अभी तो तू। मेरे पे आयरन भी स्मेल्ट होने के लिए पड़, सारे काम मुझे आज याद आएंगे। मैं मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर में, हो बनाने के बाद। थोड़ी देर में क्या, कॉल तो पड़ा ही है मेरे पे। छोड़ो स्प्लिट नहीं करते ये वाला पार्ट, जल्दी से हो बनाते हैं। अबे नीचे चला जा। अबे यार डल जा इसके अंदर, जल्दी हो जा भाई, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। एक तो फिर पता नहीं इतना सारा झमेला क्यों लगा रखा है। ये निकिन से सीधा सीधा दे दें माइक के। हो जा यार जल्दी। एक तो दो हो गए, एक और चाहिए बस, बाकी भी स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ, कभी ना कभी तो काम आएगा ही। एक और मिल जाए बस। ओके हो गया, हट भाई अब तू। क्राफ्टिंग टेबल भी यहीं पे पड़ी है। वाह स्टिक भी बना लेता हूँ। स्टिक स्टिक एस, अबे यार हो कहाँ है ये री? ओ दो ही चाहिए होते हैं हो के लिए, तो मैं तो भूल ही गया था भाई। जरा अभी तू इधर जा और हो। हाँ रात होगी क्या? अबे यार कोई नहीं, सुबह सुबह ज़रूर हो जाएगा, कल कल हो जाएगा भाई मैं बता रहा हूँ। और अभी तो शुगर केन भी फाइंड करना है ताकि उसका फार्म बना सके। वैसे वो इतना मेन नहीं है। एक सेकंड, क्रीपर दिखा गया? नहीं सही है, नहीं दिखा, वरना आज मैं उसे मार देता भाई। वैसे भी गन पाउडर चाहिए ही है मुझे, कभी ना कभी तो चाहिए ही होगा। ये करने में मज़ा आता है यार, देख रहे हो ये करने में। और वो ओक्स से वो क्या बोलते हो उसे, मैं भूल गया। अरे एक्स से कर रहा हूँ, देख रहे हो बुद्धि मेरी, एक्स से कर रहा था वो। एक सेकंड, वॉइस तो रिकॉर्ड हो रही है ना मेरी? हाँ हो रही है, पता चले भाई वॉइस ही नहीं हो रही रिकॉर्ड। मैं करे जा रहा हूँ बकलोली। ओके ओके ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, ये हो गया। और सीड कहाँ रखी थी मैंने? है यार चेस्ट वाली सीड लाना भूल गया मैं, जो चेस्ट में रखी थी। देख रहे हो अब वाटर के ऊपर बनाने का है ना, ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एक्स्ट्रा वाटर सिस्टम जैसा मैंने शुगर केन में बनाया वो इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं ये ओवरलैंड पे बनाता ना तो मुझे वो ज़रूरत पड़ती उसकी। अब सीड की हटा दी मैंने, थोड़ी बहुत सीड मेरे पे चेस्ट पे चेस्ट में भी पड़ी है। वैसे वो लाने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, पर एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूँ जो मेरे पे पड़ी है? शायद ही पड़ी है, देखी नहीं मैंने, या फिर नहीं पड़ी, पड़ी तो नहीं चाहिए यार, नहीं पड़ी। नाइस, अब सीढ़ी इकट्ठा करो, फिर शुगर केन भी। मैं तुमसे मिलता हूँ थोड़ी देर में सीढ़ी इकट्ठा करके। एक सेकेंड, सीढ़ी इकट्ठा, सीढ़ी नहीं मिल रही। अरे अरे भाई एक तो मिल जा। भाई ऐसा मत करो यार भाई, एक भी सीट नहीं, दो मिली है, दो मिली है, तीन,
ओके चार, इससे अच्छा मैं पेड़ पे से ले आता हूँ जल्दी से, पहले चार जो मिली है वो लगा देता हूँ, फिर पेड़ पे जाऊँगा, मतलब पेड़ से इकट्ठा करूँगा। थोड़ा सा एनोइंग काम लगता है ये वाला मुझे, और अभी तो शुगर केन भी ढूंढने हैं। मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर में ये सीड वीड लगा के और शुगर केन फाइंड करके। ओके तो फाइनली सीड का काम तो हो चुका है, लेकिन अभी भी एक काम बचा है, वो है शुगर केन, जो कि यहाँ से तुम्हें भी दिख रहे होंगे। ठीक है तो वहाँ पे चलते हैं सबसे पहले शुगर केन लेने के लिए। और वाओ उधर भी है, तुम्हें याद होगा पिछले वाले वर्ल्ड में इतने शुगर केन नहीं थे यार, बहुत कम थे लिटरली। मैं पिछले वाले वर्ल्ड में तो शुगर केन के लिए मैं तरस गया था, तो वो बनाना था एन्चांटिंग रूम। बहुत शुगर केन है यहाँ पे तो, सही है। खैर अपनी मजे मजे, इसकी वैन की मजे मजे। ओके ओके बहुत शुगर केन है वे यहाँ पे। तुम 15, वैसे इतना हो तो जाना चाहिए इतने काम, लेकिन मिल रहा है तो कोई नहीं, एक पोशन और बना लेंगे शुगर केन का। चल 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 चल, से रात भी होने लग रही है, ज़ोंबी वोंबी ना मार दे कहीं। पर मैं सोच रहा हूँ ना कंप्लीट करके ही सोऊं, ठीक है? कोई नहीं, हम रात को भी काम करेंगे, कोई नहीं भाई, आज तो रात को भी काम होगा। ठीक है वहाँ पे भी है थोड़ा बहुत, वो भी ले लेते हैं। ऐसे इतना लालच करना तो नहीं चाहिए, पर अगर मिल रहा है तो ले लेना चाहिए भाई, ऐसे मना नहीं करना चाहिए। ग्रास के ऊपर भी उगता है ये, मुझे तो लग रहा था बस सैंड के ऊपर उगता है, मैंने वहाँ पे बेफालतू में सैंड के ऊपर लगाया। मुझे क्या पता था ग्रास के ऊपर उगता है, ग्रास मुझे पता होता मैं इसकी सैंड की ही बना देता बस, फिर मैंने वहाँ पे उसका मतलब ग्रास की डर्ट का ही बना देता अलग से पोर्शन, वहाँ पे कर रहा था मैं। अबे यार इतना टाइम वेस्ट करा मतलब मैंने इसलिए। ओह शिट, रात को होने लग रही है। कोई नहीं कोई नहीं, बस अपने आइलैंड तक पहुंच जाऊं, मतलब अपने फार्म तक। सही है यार, उस आइलैंड टाइप बना दिया मैंने। ओके ओके पहुंचने वाला हूँ पहुंचने वाला हूँ, अभी तो बहुत दूर है। कोई नहीं पहुंच जाऊंगा पहुंच जाऊंगा, काम कंप्लीट करके ही सोऊंगा। ये डाइव कर करके जाऊंगा भाई मैं, ये इसकी बहन की मजे ही मजे। वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, कुछ गलत ना हो बस अब। ठीक है तो मैं बता रहा हूँ मैं इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते ना दो बार ऐसा हो रहा है कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है तो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही, मुझे वो सीन वापस रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं यार। सोच रहे हो तुम कितना गुस्सा आ रहा होगा, हैं इधर भी लगेगा क्या? जहाँ जहाँ लग रहा है लग जा भाई, वैसे भी एक्स्ट्रा लेके आया हूँ मैं, लग जा बेफालतू में एक्स्ट्रा पोर्शन बनाया मतलब मैंने इसके लिए। यार ओए इसी के ऊपर लगा दिया क्या मैंने? अबे यहाँ लगना है देख, ठीक है यहाँ भी भाई, जहाँ जहाँ लग रहे हैं ना लगाते जाओ बस, क्योंकि शुगर केन की आगे चल के मतलब बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है और फाइनली मैं तुम्हें पता है मुझे लग रहा है कि मैं जानता हूँ तुम्हें लग रहा है बहुत घटिया फार्म बनाई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आगे चल के ये फार्म बहुत कुछ देगा। और हाँ मैं बता रहा हूँ इस फार्म को मैं अपग्रेड ज़रूर करूँगा, अभी तो बहुत गूसा फार्म लग रहा है ये मैं बता रहा हूँ, पर हाँ काम चलाऊ फार्म है अगले एपिसोड के लिए, क्योंकि अगले एपिसोड में ऑफकोर्स ही बात है, नहीं अगले एपिसोड में थोड़ी ना, अगले से अगले एपिसोड के लिए, अगले एपिसोड में तो मैं वो बनाऊँगा क्या बनाऊँगा, एचपी फार्म, एक्सपी फार्म, सॉरी एचपी फार्म बोल रहा हूँ, एक्सपी फार्म बनाऊँगा। और अगले से अगले में मैं एन्चांटमेंट रूम, एन्चांटिंग टेबल बनाऊँगा, तो उसके लिए होगा ना ये बुक सेल्फ बनाने के लिए। और अभी भी 11 बज गए हैं यार, चलो कोई नहीं इन्हें मैं चेस, ओए डरा दिया यार। वेट वेट, फायर कैसे लगी मैं मुझे?
अच्छा अबे ये तो मार देंगे मुझे। एक तो स्केलेटन वहाँ पे है पानी में, तो जल भी नहीं रहा। वेट 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 अबे ले बेटे ले, मेरे से पंगा ले रहा था पानी में। तो क्या तुझे लगा मैं मार नहीं पाऊंगा तुझे है? तो या गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। देख रहे हो तुम फार्म काम भी कर रहा है, उग रहे हैं ये धीरे धीरे, ठीक है। तो या आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ मुझे याद आया जिससे ये बीट बनता है, हेयर बेल्स है ना, घी बोलते हैं शायद। सो या आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वाली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो या तो गेंशिन इम्पैक्ट की आएगी या फिर कोई रोस्टिंग तो नहीं आएगी, मेरा मन ही नहीं कर रहा रोस्टिंग वीडियो बनाने का। और साफ रीजन बताऊँ तो रोस्टिंग वीडियो बनाने के लिए कॉन्टेंट ही नहीं मिल रहा। सोच रहा था रजत भाई को रोस्ट मारूंगा लेकिन वो तो खुद पहले से ही रोस्ट हो चुके हैं जेल में जाके, तो उन्हें रोस्ट मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें हंसी भी नहीं आने वाली उनके रोस्ट पर। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।